25 मई जैसी पुलिस गर्दी आज तक नहीं देखी। पुलिस से बात करने की कोशिश की तो हलकारों ने डंडे बरसा दिए, 3 वर्कर शहीद किए गए। ये मम्मी डैडी पार्टी नहीं, अपने हर वर्कर का हिसाब लेंगे। पीटीआई की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद का दबंग ऐलान, कहा हम पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, किसी के गुलाम नहीं, मुल्क की सालमियत के लिए निकले हैं और जिद्दोजहद जारी रखेंगे। पुरअमन मार्च के लिए अपना एहतजाज रिकॉर्ड करने की खातिर हम इस्लामाबाद जा रहे थे। जबरदस्ती मेरे ड्राइवर को गाड़ी से पुलिस ने घसीट के निकालने के बाद मुझे घसीटने की कोशिश की। मैं ये बता दूं, वहाँ कोई लेडी पुलिस नहीं मौजूद। गाड़ी जब रोकी तो कम से कम 19 से 20 लोगों ने डंडे लेके मेरी गाड़ी पे मारना शुरू कर दिया। 3 हमारे वर्कर शहीद कर दिए। हम एक एक वर्कर का भी हिसाब लेंगे। तुम मम्मी डैडी पार्टी नहीं है, हम पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। हम महकूम नहीं है, किसी के गुलाम नहीं है। हम इंशाल्लाह एक आजाद कौम है, उसके लिए हम मुसलसल जद्दोजहद करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।